नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ऐतिहासिक टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर दोनों ही टीमें आमने सामने हैं, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही थी पिंक बॉल को लेकर कि किस तरह का पिंक बॉल बिहेव करेगी, किस तरह से कैरी करेगी, किस तरह की स्विंग होगी, किस तरह से फील्डर्स उस पर फील्डिंग करेंगे, ये काफ़ी बातें हो रही थी। कि कोहली ने भी ये बयान दिया था कि पिंक बॉल से फील्डिंग करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। विकेट कीपर ऋद्धिमान शाह का भी बयान आया था कि विकेट के पीछे फील्डिंग करते हुए काफ़ी परेशानी होगी, स्लिप में काफ़ी परेशानी होगी, विकेट के पीछे जब बॉल आएगी तो काफ़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन आज एक कैच ने वो सभी जितने भी बयान थे उन सब पर पानी फेर दिया। दरअसल रोहित शर्मा ने एक कैच लपका, जिसके बाद ये बातें होने लगी कि जिस तरह से पिंक बॉल को लेकर भारतीय टीम ने पहले फील्डिंग की है, जिस तरह से प्रैक्टिस की है पिंक बॉल को लेकर, लगातार इंदौर टेस्ट से भारतीय टीम प्रैक्टिस करती आ रही है, उसका फ़ायदा मिला है भारतीय टीम को। जिस तरह से रोहित शर्मा का वो कैच था, क्या था वो पूरा मामला, हमारे साथ कार्तिक बताएंगे। कार्तिक, क्या था वो? देखिए अभिषेक, पिंक बॉल को लेकर जितना हवा बनाया गया था ऐसा कुछ इस मैच में देखने को नहीं मिला। बांग्लादेशी टीम ने भी गीली गेंद से प्रैक्टिस की पिंक बॉल से। धोनी का उन्होंने एक तरीका अपनाया कि गीली होने के बाद गेंद कैसे काटा बदलती है, कैसे बिहेव करती है, ऐसी टीम इंडिया ने भी पिंक बॉल से प्रैक्टिस की काफ़ी। कप्तान कोहली ने जैसे आपने बताया था कि इससे फील्डिंग करने में परेशानी होगी, वो इसलिए अभिषेक, शायद मेरा मानना ऐसा है कि जो इसके ऊपर एक पेंट की जो एक्स्ट्रा लेयर है, कलर की जो एक्स्ट्रा लेयर है, उस लेयर की वजह से गेंद स्किड होगा हाथ से, फिसलेगा हाथ से। इसलिए कप्तान कोहली को या बाकी टीम को ऐसा लग रहा था कि गेंद फील्डिंग करने में गेंद को समस्याएं पैदा होंगी, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पिछले मैच से भी बेहतर फील्डिंग आज के मैच में देखने को मिली है टीम इंडिया की। पिछले मैच में रोहित शर्मा ने कैच छोड़े थे, स्लिप में एक दो कैच छोड़े थे, पर आज जो उन्होंने कोहली की तरफ जाके, कोहली का जो कैच था वो उन्होंने खुद का अपना कैच बनाया, वो बहुत शानदार कैच लिया अभिषेक रोहित शर्मा ने। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 11वां ओवर था, उमेश यादव गेंदबाजी पर थे, आउटस्विंग गेंद थी, कप्तान मोमिनुल हक सामने थे। तो जब मोमिन हक के बल्ले का किनारा लेकर गेंद पहली स्लिप में गई, जहां पर विराट कोहली आपको देखने को मिलते हैं, स्लिप में विराट कोहली होते हैं, दूसरी स्लिप पर रोहित शर्मा उनके साथ में खड़े होते हैं, तो विराट कोहली का वो कैच था। लेकिन रोहित शर्मा ने फुर्ती दिखाते हुए विराट कोहली के कैच को दूसरी स्लिप से आकर खुद लपका, जिसके बाद रोहित शर्मा ट्रेंड करने लगे ट्विटर पर लगातार कि रोहित शर्मा ने कितना शानदार कैच लिया है। और ये काबिल तारीफ भी था, क्योंकि जिस तरह से पिंक बॉल को लेकर ये कहा जा रहा था कि स्लिप में गेंद तेज आएगी, हाथ में लगेगी और कैच लेना आसान नहीं होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह से वो कैच लिया है वो ये दिखाता है कि जिस तरह से भारतीय टीम ने पिंक बॉल को लेकर पहले से ही प्रैक्टिस की है, जिस तरह से रात को प्रैक्टिस लगातार की है, गीली गेंद करके जिस तरह से लगातार प्रैक्टिस की है, उसका फ़ायदा भारतीय टीम को मिला है। बाकी क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।